चल रही है, इश्क चीज है मस्त मस्त। एक सेठ रामदास जी होए ने जिन्हां दा एक नौजवान लड़का बिरवा मंगल सी, जिस बिरवा मंगल दी एक चूड़ा मनी बेसवा दे नाल लगन सी, जो कि हर रोज उस चूड़ा मनी नू मिलन जाया करदा सी रात दे समय। इसे तरह उस चूड़ा मनी दे नाल बहुत ज्यादा प्यार करता सी। इसे तरह हर रोज रात दे समय उस चूड़ा मनी बेसवा नू मिलन ले जांदा। रस्ते दे विच एक नदी पैंदी सी, हर रोज नदी नू पार करके जाना पैंदा सी। इसे तरह एक दिन सवेरे साजरे तो ही मीह पैना शुरू हो गया, सारा दिन मीह बंद नहीं होया। रात का समा हो गया, रात नू भी बारिश हो रही है। इसे तरह अपने टाइम दे नाल अपने घर दे विच्चों बिरवा मंगल चल पैंदा, नदी दे किनारे ते पहुंच जांदा। नदी दा पानी बहुत चढ़िया होया सी, इश्क अन्ना हुंदा है, उंज भी रात भी हनेरी है। इश्क दी हनेरी दे विच उहनूं कुछ दिस नहीं रहा, जिवें कहिंदे ने इस इश्क दा है रोग बुरा, ना मरन दिंदा ना जीवन दिंदा। एक फर्क है मीम मरोड़ी दा, करन सबर ना होण यकीन दिंदा। एदी मर्ज तबीबा तो हिलदी नहीं, एदी रीत जमाने नाल मिलदी नहीं। बिना बहार कली दिल दी खिलदी नहीं, ना ए जखम हिजर दे सीन दिंदा, ना मरन दिंदा ना जीण दिंदा। शाह शमश दा पोश लोहाया सी, अली असगर बहुत थियाया सी। घुट पानी दा ना ए पीण दिंदा, ना मरन दिंदा ना जीण दिंदा। जेड़े प्रीतम नाम च रंग हो गए, छड तख्त ओ मस्त मलंग हो गए। हस हस के सूली ते टंग हो गए, ऐसा आजज कर मस्कीन दिंदा, ना मरन दिंदा ना जीण दिंदा। नदी दे किनारे ते खड़ा विचारा करदा के मैं किवें नदी तो पार जावां। बिजली लिशकी, उस नदी दे विच एक लाश खड़ी आ रही सी। देखिया के चूड़ा मनी ने मेरे लिए कोई फट्टा भेजिया है, जल्दी जल्दी लाश नू फड़ के उस लाश दे उपर बैठ के नदी पार करनी शुरू कर दिती। आखिर नदी पार करके दूसरे पासे चला गया, सोचदा के वापस जान लई भी मैनू इस फट्टे दी जरूरत पैनी है। लाश चक्की चाके एक दरखत दे नाल ला दिती, आप चला गया। बेसवा दे चवारे दे कोल जाके इधर उधर देखदा कि मैं किवें उपर जावां, क्यों बेसवा सारे दरवाजे बंद करके लाइट बंद करके सुती पई सी। इधर उधर घूमदा फिरदा, आवाजा मारदा, क्या देखदा एक रोशनदान दे नाल एक सप ने कुंडल पाया होया सी। देख के विचार करदा के चूड़ा मनी ने मेरे लिए रस्सा बन्निया होया, हनेरे दे विच दिसदा कुछ नहीं। उस सप नू फड़ के जल्दी जल्दी कमरे दे अंदर चला गया, अंदर जाके बेसवा नू जगाया, पुछ दिया कै बिरवा मंगल चवारे दे उपर केड़े रस्ते आ गया, मैं सारे रस्ते बंद किते होए ने। दसदा कि जेड़ा तुसी रोशनदान दे नाल रस्सा बन्निया होया, उस रस्से दे सहारे मैं उपर आ गया। चूड़ा मनी ने कहा कि मैं कोई रस्सा नहीं बन्निया, चल दिखाल। लाइट जगाई, जिस वेले वो रस्सा देखण लगे वो एक बहुत जहरीला सप। चूड़ा मनी ने कहा कि बिरवा मंगल जेकर ये सप तेनू डस दिंदा तो इत्थे ही खत्म हो जाना सी। ऐ बिरवा मंगल नदी किवें पार करके आया, कहिंदा है चूड़ा मनी जेड़ा तू नदी दे विच फट्टा भेजिया सी ओहदे उपर तरके आ गया। कहिंदी मैं कोई
कोई फट्टा नहीं छड़िया पानी दे विच, चल दिखाल केड़ा फट्टा है। जिस वेले लाइट चक्की उस नदी दे किनारे ते आ जांदे ने, जिस वेले बिरवा मंगल ने वो लाश देखी, एक औरत दी लाश सी जो के बहुत क्रूर भयानक लाश सी, देख नहीं सकिया, देखदिया सार दश खा के जमीन ते डिग पैंदा। चूड़ामणि ने नदी दे विचों पानी लिया के उसदे मूँह ते छिट्टे मारे, उसदे मूँह दे विच पाया, होश दे विच लियांदा कि ए बिरवा मंगल देखी लाश तेरे को देख नहीं हुई, जिस दिन मेरी मौत होनी है जदों मैं मरना मेरी शक्ल भी एदे नालों ज्यादा भयानक होनी है। ए बिरवा मंगल जिन्नी तू मैनू मुहब्बत करदा, जिन्ना तू मैनू प्यार करदा, जेकर किते अल्लाह पाक नाल इन्ना प्यार कर लै, जेकर इन्नी मुहब्बत अल्लाह पाक नाल कर लै, तेनू कोई ठिकाणा मिल सकता, तेनू कोई जगह मिल सकती है, तेरा इस संसार दे विच कुछ ना रह सकता। जेड़ा मेरे नाल प्यार करता ये तेनू नरकां वल लिजा रहा, खुदावंद करीम दी बंदगी तेनू जन्नत दे विच लिजावेगी। जिस वेले बेसबा ने एहो जिहियां गल्लां कीतियां, कहिंदा है चूड़ामणि अज तो बाद मैं कदी भी तेरे कोल नहीं आवांगा, हुण भी तेरे नाल नहीं जावांगा। जंगल वल नूं तुर पिया, एक जंगल दे विच जाके इबादत करन लई बैठ गया, काफी लंबा समा इबादत करता रहा। इबादत करन तो बाद एक दिन मन कीता कि उठ के किते घूम के आईए, इस तरह सवेर दा समा सैर करन लई तुर पैंदे ने। क्या देखदे ने, एक बस्ती दे विच एक औरत अपने मकान दी छत ते खड़ी बाल सुका रही है, उहदे वल नूं देखिया उहदे वल नूं ही देखना शुरू कर दिता, उहनूं ही देखी जांदे ने। उस औरत ने देखिया कि कोई फकीर मेरे वल देख रहा है, केस सुका के थल्ले उतर गई। एक घंटे बाद फिर चढ़ के देखिया तां बाबा जी उधर नूं ही देखी जांदे ने। आखिर दुपहर दा टाइम हो गया, उस औरत दे घर वाला भोजन छकण लई घर आउंदा, उस औरत ने कहा कि बाहर कोई बाबा जी खड़े ने, उन्होंने भी आवाज मार के पूछ लो जे उन्होंने भोजन छकना, उन्होंने भी भोजन छका दो। उस मर्द ने जाके बाबा जी नू नमस्कार की, दुआ सलाम की, बाबा जी आ जाओ भोजन छक लो। बाबा जी ने देखिया कि उस ही घर के विचों निकल के आया जिस घर के विच उस औरत नू मैं देख रहा सी। हाँ चलो मैं भोजन छक लैना, तुर पिया, अजे दरवाजे तो काफी पिछे ही ने, ओ गल्लां याद आउण लग पईआं चूड़ामणि वालीआं कि ऐ बिरवा मंगल जेकर अल्लाह पाक दे नाल सच्चा प्यार करेंगा तां तेरी जिंदगी दे विच तैनू कोई ठिकाणा मिल सकदा, तैनू कोई जगह मिल सकदी आ, तेरा कोई ना हो सकदा। नहीं जिधर नूं तू तुर रहा, दरवाजे दे लागे पहुंच गया, वो आदमी अंदर लंघ गया, कहिंदा बाबा जी आ जाओ, कहिंदे नहीं साडी इक शर्त है तद भोजन छकांगे। एक दो सलाइयां लै के अग दे विच गर्म करनिया रख दिओ, जदों दोनों सलाइयां ऐन लाल हो जाण तां दोनों सलाइयां मैनूं लिया के फड़ा दिओ। जिस वेले दोनों सलाइयां गर्म हो गई, लाल हो गई, कपड़े दे नाल फड़ के दोनों सलाइयां लिया दित्तियां। उस बिरवा मंगल ने दोनों सलाइयां दोनों अखां दे विच मार लईयां। कोल खड़ा बंदा बड़ा हैरान बड़ा परेशान कि हे बाबा जी ए तुसां ने की कीता। बाबा जी ने कहा कि ए अखां हर वेले बुरा ही तकदियां सी, इस करके इन्हां नूं मैं अल्लाह पाक दे देखने योग बनाया, बंद करके अखियां दी ताकी ते अंदरों ही देखा यार नू। बंद अखियां दी करके मैं ताकी, बंद अखियां दी करके मैं ताकी ते अंदरों ही।